दिल्ली में हुई पहली बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। लोगों को घरों में निकलने से परेशानी हो रही है, लेकिन नरेला के स्वतंत्र नगर में बारिश ने लोगों का घरों में रहना दुश्वार कर दिया है। यहाँ लोगों के घरों में भयानक दरारें आ गई हैं, जिससे लोग खतरे के साए में जी रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली बेहाल है, लोगों का घरों से निकलना तो मुश्किल है, अब घर में रहना भी खतरे से खाली नहीं है। नरेला के स्वतंत्र नगर के लोग इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इन घरों में कैसे मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। इन दरारों को देखकर किसी भी शख्स का दिमाग घूम जाएगा। दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पूरी जमीन फट गई है। इन लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इनके घरों की ऐसी दुर्दशा होगी, लेकिन घर की ऐसी हालत के बाद ये लोग अपनी जान को हथेली पर रखकर घर में रहने को मजबूर हैं। इलाके में लगातार बरसात के बाद में 10 से 12 मकानों में दरारें आ गई हैं, जिसकी वजह से जो मकान के अंदर रह रहे हैं वो अब डर के साए में जी रहे हैं। आपको बता दें, लगातार बरसात के चलते राजधानी दिल्ली में जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिल रही है। वहीं नरेला इलाके में भी कई जगह जल भराव की समस्या के चलते मकानों के अंदर दरार आ रही है। लोगों का कहना है कि आसपास के खाली पड़े प्लॉट में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है, जिस वजह से पानी अंदर ही अंदर रिस कर मकान की नींव को खोखला कर रहा है, जिसकी वजह से मकानों में दरार आ गई है। कई बार शिकायत खाली पड़े प्लॉट के मालिकों से की गई है, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। ये पिछले दिनों 19-7 की जो बरसात है और उसके बाद में जो लगातार बरसात हो रही है, उस वजह से मेरे साथ वाला जो प्लॉट है 100 गज का और उसके नेक्स्ट में 100 गज का है और बैक साइड में 200 गज का है, ठीक है। तो इन दोनों में 5 से 6 फीट की के आसपास में पानी स्टोर हुआ था, भर गया था। इस वजह से मेरा जो प्लॉट है उसका जो भर्त है वो बैठ गया। हर एक कमरे की दीवारों में क्रैक हैं, फ्लोर बिल्कुल डैमेज है। सिचुएशन ऐसी है जैसे कि अर्थक्वेक आने के बाद में नज़ारा होता है। जी, उनको बोलना तो था कि मतलब प्लॉट में मिट्टी विट्टी डलवा दो, लेकिन वो बोलते हैं कि जो तुमसे होता है वो कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। और जो आपके निगम पार्षद है यहाँ के और MCD कर्मचारी है, उनका क्या कहना है? वो तो आके देख के चले जाते हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा, वो कुछ नहीं करते हैं। साफ सफाई वगैरह? साफ सफाई नाली की 1 हफ्ते में आते हैं, 2 महीने में आते हैं, तब जाके कूड़ा निकाल के जाते हैं नाली में से, उससे पहले 1 हफ्ते से पहले नहीं आते। समस्या ये है जी, जो पड़ोस में बगल में प्लॉट पड़े उनमें पानी भरा हुआ है और हमारे पास खड़े मकान बनाना नहीं है जी। बड़ी मुश्किल से मकान बना था, बच्चों का रोजगार नहीं है और हमारे हमारे याद में नहीं है जी, और कुछ बच्चों का रोजगार भी नहीं है और मुसीबत से तो ये मकान बना था। 30-35 साल हो गए इनमें, एक एक दो दो पैसा जोड़ जोड़ कर मकान बना था, अब ये दुर्घटना होगी मेरे बस का, ये काम संभालना नहीं है जी। आप देख सकते हैं कि कैसे लोग डर के साए में जी रहे हैं, लेकिन आसपास के खाली पड़े प्लॉट के मालिक और ना ही निगम पार्षद इस तरफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब के पीछे MCD की भी बड़ी लापरवाही है, क्योंकि समय रहते अगर MCD प्रशासन मानसून को लेकर सतर्क हो जाता, वक्त रहते नालियों की सफाई हो जाती, साथ ही खाली पड़े प्लॉटों से पानी को निकाल दिया जाता, तो आज इनके घरों की ऐसी हालत न होती। जनतंत्र TV के लिए दिल्ली से नसीम अहमद की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।